हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनाडा। दिस इज देवर्सी शुक्ला और आज हम इस वीडियो में 24 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इसी के साथ साथ में और अदर डेज जो मार्च में मनाए जाते हैं उनको देख लेते हैं हम। 21 मार्च को मनाया जाता है वन दिवस। 19 मार्च को CRPF स्थापना दिवस, स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के 11th CM के रूप में चुने गए हैं। किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो हाल ही में हमने जैसे चर्चा की इससे पहले की वीडियो में कि अभी हाल ही में पाँच राज्यों में चुनाव हुए हैं। यहाँ पर चार जगह BJP और एक राज्य पंजाब जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी आई है। तो उत्तराखंड के CM चुने गए हैं, 11वें मुख्यमंत्री जो है यह है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सोमेलो बोबे माइगा, पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोबे माइगा जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो यह थे माले के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे सोमेलो बोबे माइगा, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियोस और भी लोगों तक पहुंच सके और लोगों को हेल्प हो सके। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये सारी वीडियोस जो करंट अफेयर्स है। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है तो मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो की PDF चाहिए, क्वेश्चन की PDF चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राष्ट्रपति सहबुद्दीन अहमद का निधन हो गया है, वह किस देश के थे। वह थे बांग्लादेश के, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे सहबुद्दीन अहमद, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के खिलाड़ी एस्ले वॉर्टी ने 25 वर्ष की आयु में अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। एस्ले वॉर्टी एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में 25 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी है। यह है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो यह है दिल्ली, इसके बाद में दूसरे नंबर पर है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका यह दूसरे नंबर पर प्रदूषण के मामले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स डस्ट लीग यूनाइटेड मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में है। तो यह है उज्बेकिस्तान के बीच में। कल हमने वीडियो में देखा था कि लेमेटिव जो 2022 एक्सरसाइज है यह किसके किसके देश के बीच में है। तो यह थी इंडिया और सेसल्स के बीच में, यह इंडिया और सेसल्स के बीच में थी। और 13वां ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी प्राइज किसने जीता है। तो यह जीता है मोहम्मद रजा मासूमी ने 13वें ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी प्राइज को जीतने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह पिट्टई नागस्वर्ण के लिए किस राज्य को GI टैग मिला है। यह एक वादक यंत्र है संगीत के लिए जो उपयोग किया जाता है, और यह किस राज्य का है, तमिलनाडु में संगीत यंत्र नरसिंह पिट्टई नागस्वर्ण को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो का देख लेते हैं, द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ किस जगह को पृथ्वी का अभी हाल ही में सबसे गर्म जगह बताई जा रही है। तो यह है हमारी कुवैत को पृथ्वी का सबसे गर्म जगह के रूप में अभी बताया जा रहा है हाल ही में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो यह थे हमारे आज के क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।